नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत सेठ और आप देख रहे हैं आपन बनारस YouTube चैनल। दोस्तों, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी आपने जरूर सुनी होगी। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपने शौर्य से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर यह कविता लिखी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म महादेव की नगरी काशी में गंगा घाट के पास में स्थित इसी स्थल पर उनके दादा बलवंत राय राव द्वारा निर्मित एक घर में भागीरथी बाई के गर्भ से 19 नवंबर सन 1835 में मोरोपंत तांबे के यहाँ हुआ था। लक्ष्मीबाई 4 बरस की थी जब उनकी माँ का देहांत हो गया। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर जिले के पेशवा के यहाँ काम करते थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने बाल्यकाल में मणिकर्णिका नाम था, जिसे संक्षेप में लोग मनुबाई के नाम से पुकारते थे। बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई ने शस्त्र विद्या सीखी। वे तलवार चलाने और घुड़सवारी में पारंगत हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने मात्र 23 वर्ष की आयु में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से संग्राम किया और रण क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की, किंतु जीते जी अंग्रेजों को अपनी झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया गया है। पिता मोरोपंत व माँ भागीरथी बाई की गोद में मनु, उसके बगल में माता पिता की देखरेख में गंगा तट पर खेलती हुई मनु, इस तरफ आप देखेंगे बाजीराव पेशवा की देखरेख में मनु का पालन पोषण और तलवारबाजी करती हुई मनु को दर्शाया गया है। उसके ऊपर व्यापारिक नौका द्वारा मनु और पिता मोरोपंत का बिठूर के लिए प्रस्थान करना, इस तरफ आप देखेंगे तो काशी की कन्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संपूर्ण जीवन वृतांत लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। और इसी के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई की घुड़सवारी करते हुए मूर्ति स्थापित की गई है, जो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर उनके जन्म और मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। काशी के इस पावन तट पर 19 नवंबर सन 1835 को उनका जन्म हुआ था और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 के क्रांति की इस महान नायिका को 18 जून 1857 को ग्वालियर के निकट वीरगति प्राप्त हुई थी। इस तरफ वही जीवन वृत्तांत अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। इस तरफ भी चित्रण किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सन 1857 की क्रांति का आगाज और इधर बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खत का जवाब, उसके बगल में आप देखेंगे मंगल पांडे के विद्रोह को दर्शाया गया है। ऊपर लिखा हुआ है अंग्रेजों द्वारा दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार न करना, और बगल में दामोदर राव को गोद लेती रानी लक्ष्मीबाई, फिर उसके नीचे जो है गंगाधर राव के देहावसान के बाद रानी लक्ष्मीबाई की स्थिति को दर्शाया गया है। दोस्तों, आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मैं आगे ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद।